हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रंजीत कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का जो ज्वाइनिंग होता है, जो किस तरह से उसका ट्रेनिंग होता है, क्या क्या परेशानियां होता है फेस करना पड़ता है और कितने दिन के बाद उसको पोस्टिंग दिया जाता है, पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो जानने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइएगा ताकि जो भी हम सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए दोस्त, आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मेरा नाम है आस मोहम्मद और मैं हरिद्वार जिला के लक्सर ब्लॉक से रहने वाला हूँ। जी, तो अभी आप कब ज्वाइन किए, कितने दिन महीने पहले? मेरी हमारे ब्लॉक लक्सर ब्लॉक में वैकेंसी आई थी, हमें अखबार के द्वारा पता लगा था, न्यूज़पेपर में तो उसमें लिखा हुआ था सब डिटेल। हमको सही लगा, हमारे वहाँ पे लगी हुई है SIS, तो हमने इसलिए अप्लाई किया और भर्ती हुई तो हमारा सिलेक्शन हो गया SIS सुपरवाइजर में, क्योंकि हम हाइट भी हमारी सही है, 175 सेमी हाइट है और ग्रेजुएशन की है और प्लस NCCC सर्टिफिकेट है हमारे पास। आपके पास डिग्री बहुत है, बढ़िया है, मतलब क्वालिटी है सुपर, क्वालिटी है सर। ये बात सही है दोस्तों, जो क्वालिटी है बंदा में, मैंने बात भी किया और कुछ जानकारी लिए और कुछ दिए तो इस तरह से दोस्तों, और हम कुछ जानते हैं। तो जैसे कि आप ट्रेनिंग जो इसमें किए, तो आप कितने महीने ट्रेनिंग किया है ट्रेनिंग सेंटर में? हमारा ये 3 महीने की ट्रेनिंग होता है, 2 महीने हमने RTA देहरादून में ट्रेनिंग की। ओके, और फिर हमें भेज दिया गया लखनऊ। अच्छा, लखनऊ का सेंटर बहुत बड़ा होता है, वहाँ पर काफी गार्ड भी होते हैं तो संभालना भारी पड़ता है इसलिए। ओके ओके, तो आपको फीस कितना पे करना पड़ा था आपको सुपरवाइजर के लिए? हमको पहले 350 तो हमारा रजिस्ट्रेशन फीस था, फिर 40,500 हमारा लगा था। 40,500, वो तो फीस तो है उतना ट्रेनिंग सेंटर में। तो इस हिसाब से जो है आपको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया गया? सर, ट्रेनिंग एक बहुत अच्छी से ट्रेनिंग दी गई, ट्रेंड किया गया, सुबह से लेकर 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कार्यवाही करती है और अच्छे से मोटिवेशन दिया गया, पढ़ाया लिखाया गया, फिजिकल सब चीज बहुत अच्छा कराया गया। अच्छा, खाना पीना दे रहा था? खाना पीना, रहना रहने के लिए सब जी सब चीज फ्री होता है। तो खाने पीने में दिक्कत तो नहीं दे रहा था? जी नहीं सर, सब बढ़िया होता है, बस घर जैसा तो नहीं होता लेकिन सब सही होता है। ट्रेनिंग सेंटर तो हर जगह, तब देखो आप डिफेंस विभाग में जाओगे, आर्मी का है, जितने भी, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत झेलना पड़ता है। जी सर। तो दोस्तों इस तरह से जो है पढ़ाई भी कराया जाता, सिखाते पढ़ाई लिखाई सब चीज होता था। हाँ, तो फिर आपको 3 महीने के बाद जो पोस्टिंग दिया, तो उसके बाद जो पोस्टिंग देने से पहले आपको कुछ मोटिवेट ऐसे कुछ किया हो जो कुछ बताए? जी, हमें सब चीज समझाया गया था कि कैसे पोस्टिंग जाना है, क्या करना है वहाँ पे, किस तरह की आपको वो ड्यूटी लगेगी, कैसे इंटरव्यू हुआ है, सब चीज हमें पहले से ही बता रखा था और हमने ऐसे ही सब कुछ किया और हम पास हो गए। अच्छा, आपके बैच में कितने लड़के थे सुपरवाइजर का? सुपरवाइजर में हम तो 2 सुपरवाइजर थे, लेकिन जो हम गार्ड संभालते थे वो तकरीबन 200 गार्ड थे। अच्छा, 200 गार्ड को आप हैंडल करते थे? सर, लेकिन इसका ये है दोस्तों, जो मतलब एक्सपीरियंस दोस्त को 3 महीना रहा, जो गार्ड को किस तरह से संभाला जाता है, सुपरवाइजर का यही होता है, ग्राउंड लेवल पे जो ट्रेनिंग होता है ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ पे ये संभालने का जो एक्सपीरियंस रहता है ना, वो तो बहुत काम आते हैं आगे कहीं सेंटर पर अगर ड्यूटी करते हैं। दोस्तों मैं बता दूँ, जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन होते हैं उसको बहुत एक्सपीरियंस नॉलेज रहते हैं सुपरवाइजर को, और अगर वो ब्रांच से अगर कोई फ्रेशर सुपरवाइजर ज्वाइन होता है तो फीस भी उसको तो छोड़ो कम सम जो लग जाए, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहता है, फ्रेशर रहता है, वो कहीं हो जाता है तो इंटरव्यू नहीं पास होता है। अभी भाई का इंटरव्यू हुआ है तो इसका कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस वहाँ के सुपरवाइजर को नहीं रहता है जो ब्रांच से ज्वाइन होता है। आपके पास कॉन्फिडेंस है, अरे आप सर मैं सीख निकाल लूँगा, मुझे पता है मैं सीख लूँगा, ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है बंदा को, और कहीं पर भी आप इंटरव्यू पास हो जाएगा ऐसे बंदा जो मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत सारे बंदे का इंटरव्यू लिया हूँ, वीडियो बनाया हूँ, तो मैं देखा हूँ जो सुपरवाइजर जो रहता है कितने पहले जो ब्रांच से ज्वाइन होता है तो उसको डर रहता है, अरे क्या होगा क्या मुझे, और जो ट्रेनिंग सेंटर से रहता है तो बड़े बड़े खेल रखा है, वह सुपर गार्ड सबको चला रखा है, सिक्योरिटी गार्ड को, तो एक्सपीरियंस रहता है तो उसको हिम्मत रहता है, मेरे को नॉलेज है निकाल रखता। तो आपको जो है 3 महीना ट्रेनिंग हुआ, तो 3 महीना ट्रेनिंग के बाद जो और की ट्रेनिंग का कुछ बताइए, जो हमारे दोस्त भाई अगर जाना चाहे तो कुछ ट्रेनिंग का बताइए। ट्रेनिंग में हमें ऐसा होता था कि 5 बजे हमें उठाता था सुबह, और फिर हमारी रनिंग होती थी और एक्सरसाइज बढ़िया से करते, जिससे आदमी चुस्त फुर्त रहे और बढ़िया। अच्छा, उसके बाद ब्रेकफास्ट होता था, फिर ड्रिल भी सिखाए जाते हैं हमको। अच्छा, जैसा देखा ना आर्मी वाले कैसे ड्रिल करते हैं, ऐसा सब कुछ सिखाया, फिर ब्रेकफास्ट अच्छे से, क्लास चलती थी 2-3 घंटे की, आराम भी किया, फिर क्लास साफ सफाई सब चीज बहुत बेटर, मजा आता है बहुत।
हाँ तो मतलब बहुत हाँ इंजॉय एंजॉय क्या, ये पल यादगार रहेगा हमारी जिंदगी भर। किया, सही बात है, ये हाँ बात है, सही बोली, हाँ यादगार रहते हैं। और बता, जब पोस्टिंग आपको ज्वाइनिंग पोस्टिंग दिया, फर्स्ट पोस्टिंग, तो जी आपको क्या मतलब जब यहाँ इस ब्रांच में आए तो कितना सैलरी का जो है आपको बताया, जितना मिलेंगे ऐसे ऐसे ड्यूटी होगा, क्या क्या बताए? सर, हमने उन हमसे पूछा गया था कि आप कहाँ पर पोस्टिंग लेना चाहते हो। हमको यहाँ हमारे साथी पे आ रहे थे जो वो जॉब कर रहे थे, हमने उनसे मालूम किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आ जाओ। तो हमने यहाँ से संपर्क किया है, तो हमने बताया कि सर वहाँ का मुझे टोटल काट दीजिए, तो हमने आकर लिया। तो हमारी सैलरी है 23,000 रुपया। हाँ 23,000, तो ढाई हाँ से जो ट्रेनिंग करके आता है उसका सैलरी ऐसे ही रहता अच्छे ही से। है। हाँ तो ये होता था, आगे आपका प्रोग्राम क्या है, इसमें और आगे बढ़ना हाँ और इसमें और सीनियर कहाँ कहाँ तक, आप अपने आप को 10 साल के बाद क्या देखते हैं आगे? अच्छा, मैनेजर के पोस्ट पे, असाइनमेंट मैनेजर, SO, क्या मतलब कहाँ तक अपना टैलेंट को देख करके मुझे खुशी मिला, तो आप हाँ उस हिसाब से आगे भी बढ़ोगे, जी सर, प्रमोशन लोगे, तो फिर आगे 10 साल के बाद कहाँ तक देख रहे हो अपने आप को? हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी लगन से काम करेंगे, और हमें बहुत प्रमोशन भी चाहिए, और अच्छे से करेंगे तो प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ वो हम मिलता ही सोच रहे है, हैं कि हम एरिया मैनेजर बन जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप बन हाँ जाइएगा, जी क्योंकि आप सर में जो टैलेंट है जी और पढ़े लिखे हैं प्लस ग्रेजुएट हैं आप जी और ट्रेनिंग सेंटर से आए हैं, तो जी ऐसे ऐसे सर बंदे को मैं देखा हूँ मौका मिलता जी है। सर आप 2 साल सिक्योरिटी गार्ड को संभालते थे ट्रेनिंग सेंटर में, यहाँ पे भी ऐसे ही 2-2.5 साल का मैन पावर है, आप जी सर संभालिएगा, चलाइएगा, तो आप जरूर आगे बढ़िएगा, ये गारंटी है, मुझे पता है। आप जो टैलेंटेड बंदा को मैं भाई परख लेता हूँ, जी ये सर होता है। तो चलिए ऐसे ही मतलब, और एक बात बताइए, जो हमारे सुपरवाइजर ज्वाइनिंग होता जी है सर तो बढ़िया कहाँ से होता है, जो ट्रेनिंग सेंटर से ज्वाइन होता है वो कि ब्रांच से ज्वाइन होता है वो? सर वैसे जब ज्वाइन होता है जब तो सब ऐसे ही होते हैं एक साथ, लेकिन ब्रांच में ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जाती नहीं दी ना, जाती है। वहाँ पे थोड़े दिन रख के 15 से 20 दिन रखा जाता है और फिर पोस्ट दिया जाता है। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में जो होता है वहाँ पर अच्छे से कस के ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ समझाया नॉलेज जाता है, नॉलेज जानकारी, जानकारी बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल मजबूती के साथ सब चीज का सामना, मुसीबतों का सामना करना सिखा देता है। जो हम यहाँ पर आए इंटरव्यू देने के लिए, जो हमसे पूछा है हमको सब मालूम, सब मालूम सब है, सही बिल्कुल बात, सब कुछ परखा हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई यहाँ पर। सही बात है। तो ये भाई जी का जो है दोस्तों, बता दूँ भाई, ट्रेनिंग सेंटर से तो आया लेकिन नॉलेज ग्रेजुएट है भाई, मतलब जबरदस्त नॉलेज है, कॉन्फिडेंस जो है इंटरव्यू लेते हैं बंदे को, कॉन्फिडेंस है भाई मैं निकालूंगा, मुझे नॉलेज है, पता है। तो ऐसे ऐसे बंदे बहुत आगे जाते हैं, ये फील्ड ऑफिसर मैनेजर बनने का गुण रहता है बंदे में। तो दोस्तों देखिए, जो सुपरवाइजर जो ज्वाइनिंग हुआ ट्रेनिंग सेंटर से, कहाँ कहाँ क्या क्या फेस करना पड़ा आप देख सकते हैं, और आप पूरा वीडियो देख करके आप पता लगा सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हुआ और कहाँ तक आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।